जय हिंद साथियों, आप सभी को पीबीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो भी मैंने रूल पढ़ाया आर्टिकल में से उसी का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सभी को फटाफट इस सेशन क्या करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और आपके स्क्रीन पर देखिए, ये 30 क्वेश्चन लाया हूँ और 30 क्वेश्चन करने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ, ये दावा कर सकता हूँ आपको आर्टिकल में फिर दिक्कत नहीं होगी। वो भी आर्टिकल में, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल में दो तरह के आर्टिकल हम लोग पढ़े थे ना, एक डेफिनिट एक इनडेफिनिट। तो जो इनडेफिनिट आर्टिकल है, जो अनिश्चित वाला जो आता है ना, हाँ अनिश्चित वाला, उसको हम लोग देख रहे थे। कौन सा आर्टिकल देख रहे हैं पहले समझो कि हम लोग ए या एन वाला का हम लोग क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं यहाँ पर आर्टिकल द वाले बच्चे यहाँ पर पुट करने लगे, समझ रहे हो ना। ये 30 क्वेश्चन आपको आर्टिकल में बहुत सारा चीज़ आपको नॉलेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे। ठीक है, इसकी मैं लगभग 100+ क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, आर्टिकल एन का। बट इस सीरीज में 30 क्वेश्चन करो और मेरे साथ फटाफट, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो और मैं सबका हिंदी बताते चलता हूँ, फिर इसके बाद आर्टिकल हम लोग लगाते चलेंगे। ठीक है, देखो पहले ऑरेंज। ऑरेंज मतलब होता है ऑरेंज, नहीं तो ऑरेंज। ऑरेंज मतलब संतरा। ऑक्सन, ऑक्सन मतलब बैल। ऑक्सन मतलब क्या होता है बताओ, बैल। वीडियो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो। ठीक है, अरे ब्लॉक डेवलपमेंट ऐसी ब्लॉक वाला जो ऑफिसर होता है उसी को बोलते वीडियो। 1 रुपी नोट, ये भी आपका है, 1 रुपी जो नोट होता है, पहले आता था अब नहीं आता है। ठीक है, चाइल्ड यानी कि बच्चा। एप्पल्स यानी कि सेब। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जानते हो ना, छत्ता, जो बारिश, अभी भी हम लोग का बारिश का मौसम खत्म हुआ, अब तो छत आ गया, ठंडी आएंगे ना। आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार, आर्टिस्ट मतलब होता है आपका अच्छा कलाकार, आर्टिस्ट वही आते हैं। आर, आर मतलब होता है आपका घंटा, यानी कि जो टाइम वाला घंटा, वो नहीं, दूसरे पर सेंस नहीं जाना, जो टाइम में चलता है ना घंटा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो वाला। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर। एक एक चीज़ों को समझो, फिर आपको आर्टिकल ए या एन का यूज करना होगा और बारीकी से सब कुछ करना। मैं जब पूछूंगा तब कमेंट करना आपको लाइन से, लेकिन पहले सीख लो बेसर, मतलब आराम से प्यार से सीखो, फिर उसके बाद आप लाइन बाई लाइन सबके पूछूंगा, सबका चीज़ों बताना और प्रैक्टिस ईमानदारी से करना, समझ रहे हो ना, दिल से करना, तब सीख पाओगे। अदरवाइज मैं तो क्या कोई भी नहीं सिखा सकता जब तक आप दिल से नहीं चाहोगे। तुमको पता है ना, जब कोई शिद्दत से कोई भी चीज़ चाहो तो वो हमें प्राप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब, दिल से मन से इच्छा से कोई भी चीज़ चाहोगे ना, वो चीज़ जरूर प्राप्त होता है। गॉड उसके पूरी कायनात लग जाती है उस चीज़ को मिलाने में। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, एनी एल्स, ओके, एनीथिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आप उसमें अगर अच्छा बनने के, अच्छा चाहते हैं, मेरा अच्छा चीज़ों स्कोर हो, अच्छा चीज़ें मैं सीख पाऊँ, तो पहले किसी वक्ता की बातों को सुनने के प्रयास करें और बारीकी से एक एक चीज़ों की उसकी मीनिंग समझें। क्योंकि जब तक किसी चीज़ का अर्थ नहीं समझेंगे तो वो चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा निरर्थ हो जाता है। यानी कि कहते ना, ये मतलब गर्ग नहीं, बेरा, मतलब बेरा पार नहीं, बेरा गर्ग हो जाता है, यानी कि अनर्थ हो जाता है, समझना, अनर्थ की जगह पर अनर्थ हो जाएगा। इसके पहले मीनिंग समझो एक्चुअली वो कह क्या रहा है, फिर उसके बाद उसके साथ काम करो। आप कार चलाना नहीं जानते हो, डायरेक्टली आपको कार दे दिया जाए, कार के बारे में जानकारी ना हो, वहाँ से ब्रेक लगता है, ब्रेक और स्लेटर दोनों एक ही जगह होता है, तो ब्रेक की जगह पर स्लेटर ही आप दोगे, समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ें आपको पक्का होनी चाहिए, एक्चुअली में वर्ड क्या कह रहा है, लगाना क्या है, तो फिर आप डेफिनेटली अच्छा काम करें। ठीक है, अब मैं ज़्यादा कमेंट वमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। कमेंट देखिए, कमेंट के लिए आप लोग वो नहीं रहिएगा कि सर मेरा नाम नहीं ले रहे, इसके नाम नहीं ले रहे, तो वो बात सेकेंडरी है, बट सीखने के प्रयास करो। हमने यहाँ तक आ गया, देखो बीए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, एक सब्जेक्ट का नाम है, मतलब ये एक ऑनर्स का नाम है। यूरोपियंस यानी कि वहाँ का नागरिक का नाम, यूरोपियंस जो यूरोप में रहते हैं उन्हें यूरोपियंस बोलते हैं। आर्ट्स का ये, ठीक है, वाटर यानी कि पानी, यूजफुल बुक यानी कि उपयोगी किताबें, यंग मैन यानी कि युवा व्यक्ति, इंजीनियर यानी कि अभियंता बोलती है जो इंजीनियर्स वही है, इंडियन समझ लो ना, इंडिया भारत, उर्दू यानी कि एक लैंग्वेज है, उर्दू पोएट यानी कि उर्दू के कवि, अनेस्ट मतलब ईमानदार, अनेस्ट मैन ईमानदार व्यक्ति, वेरी अनेस्ट मैन बहुत ईमानदार व्यक्ति, अनेस्ट मैन ईमानदार व्यक्ति, बुक यानी कि किताब, गुड यानी कि अच्छा, गुड बॉय मतलब अच्छा लड़का। बताओ यहाँ तक किसी को वर्ड मीनिंग समझने में दिक्कत हुई हो तो बता दो मुझे, और
अब हम लोग बारीकी से इसे सीखने की प्रयास करेंगे। समझ रहे हो ना, सभी को एक अच्छा सा कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आ जाओ, थोड़ी मेरी शक्ल हट गई होगी, चिंता नहीं लगा, सीखने के प्रयास करो। देखो यहाँ पे, देखो मैंने लिखा हुआ अरेंज। अब बताओ ए एन में मैंने सिखाया था आपको, रूल बताया था, जब आप किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हो, जो उसका पहला लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। जैसे देखो अब ऑरेंज, ओ भाई ऑरेंज इंग्लिश में बोलोगे तो ओ ही आएगा, यानी कि वो भी लगेगा। लेकिन जब हिंदी में उसको प्रोनाउंसिएशन के लिखते हो, यानी कि हिंदी में उसको प्रोनाउंसिएशन ऑरेंज, जब लिखोगे ऑरेंज तो हिंदी में आर है ना, तो वोवेल हो गया, यानी कि उसे वोवेल साउंड करते इन हिंदी। तब उसके साथ आर्टिकल एन लगाते हो, जब उसका साउंड यानी कि प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट आए तब उसके साथ आर्टिकल ए का यूज करते हो। ये चीज़ें मैंने बताया था ना, ये चीज़ें मैंने बता दिया था ना, हाँ बताओ मजे लो ना। देखो अब मुझे बताओ, इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑरेंज, ऐसे ही तो आता है साथियों। यहाँ पे वोवेल लेटर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे वोवेल आ रहा है कि नहीं, जब इसमें वोवेल आ रहा है तो वो बताओ आर्टिकल ए आएगा या एन आएगा। आप ईमानदारी से सभी बच्चे देखो, जो क्वेश्चन पूछूंगा उसी के आंसर देना है, पहले अपने मन से नहीं रखना, एक एक कंसेप्ट सब में सिखाऊंगा साथियों। प्यार से बन के, प्यार से अच्छे तरीके से सीखो, आप सीखने के लिए आए हो भाई। आपके डेटा खत्म होते हैं, नेट खत्म होते हैं, आपके टाइम जाते हैं, तो टाइम को यूटिलाइज करो, फ्री में नहीं जाने देना, ठीक है। हम भी मेहनत करते हैं आपके लिए, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, तो आपका भी दायित्व बनता है, आप सीखो, क्योंकि आप सीखोगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो हाँ बताओ आर्टिकल क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, प्यार से बता दो जल्दी से। देखो साथियों आर्टिकल एन आ जाए, समझ गए ना, आर्टिकल एन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वोवेल पूरा वोवेल साउंड, ठीक है। आ जाओ अब इसका भी करेंगे ऑक्सिन। देखो एक चीज याद रखना, यानी कि जो वोकल कॉर्ड से निकले, मैं शुरुआत क्लास में ही बताया था, जिस साउंड को प्रोनाउंसिएशन करने के लिए डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकलता है, जैसे बताओ किसी और चीज की जरूरत पड़े नहीं, उसमें किसी और पार्ट्स की जरूरत नहीं, यानी कि जो वोकल कॉर्ड से जो साउंड भी निकलता है ना उसको वोवेल ही कहा जाता है, ठीक है। और जिसमें अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी के जरूरत पड़े तो कंसोनेंट कहते हैं, जैसे पापा तो ओठ भी सट रहा है ना, तो यहाँ पर किसी न किसी अदर पार्ट्स से बॉडी की, जो अदर पार्ट से बॉडी का हिस्सा है उसकी जरूरत पड़ता है। लेकिन वोवेल साउंड एक ऐसा साउंड है जिसे बोलने के लिए किसी तरह की जरूरत नहीं पड़े, देख ली वोकल कॉर्ड से अ इ उ औ अ, देख वोकल कॉर्ड निकल रहा है, यहाँ पर ना दांत की जरूरत है, ना लिप्स की, ना किसी भी चीज़ की। चाहो तो आप वोवेल साउंड बिना लिप्स के भी बोल सकते हो, लेकिन जब पास लिप्स ना हो पापा कभी नहीं बोल सकते, क्या बोल रहा है पापा, बोल ही नहीं पाएगा। वो भी तरीका है अपना, जैसे आजमाइश करना है वैसे सीख सकते, जैसे बोला ऑक्सीजन, देख वोकल कॉर्ड से निकला, अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हो तब ये काम, वोकल कॉर्ड से निकला बताओ यहाँ पे भी क्या आ जाएगा साथियों, एन आएगा कि नहीं। आप लोग यही तो गलती कर देते हो, यहाँ पे ना आए आएगा ना एन आएगा, क्यों, आँख मुद के सारे बच्चे देखो एन लगा रहे थे। मैं तो यही तो चाह रहा था कि आप फंसो, एग्जामिनर क्या करता आपको छोटी छोटी एरर देता फंसाने की कोशिश करता। आपको देखो ध्यान से देखना, मैंने एक चीज बताया था प्यार से समझ, मैंने कहा था कि आर्टिकल ए या एन का हम यूज करेंगे, लेकिन किसके साथ, एस सी एन, एक फार्मूला दिया था मैंने, एस सी एन एक फार्मूला दिया था, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखो अब मुझे बताओ ये ऑक्सीजन जो है वो सिंगुलर है, मुझे बताओ इट इज सिंगुलर, नो इट इज नॉट सिंगुलर, इट इज द प्लूरल फॉर्म, ओके, एक प्लूरल फॉर्म है, तो वी कांट यूज बिफोर आर्टिकल, हम इसके पहले आर्टिकल यूज कर ही नहीं सकते साथ। आर्टिकल डॉग यूज कर सकते हैं लेकिन ए एन का यूज नहीं कर सकते, वी कांट यूज इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर ऑक्सीजन बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसे गिन सकते हैं मुझे पता है, लेकिन प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन फॉर्म है, तो आर्टिकल भाई ए एन क्यों लगेगा, आर्टिकल ए या एन का मतलब क्या होता है, देखो कंसेप्ट समझो, ए मतलब एक, एन मतलब भी एक। अब मुझे बताना ये ऑक्सीजन मतलब बहुवचन, बहुवचन क्या कहता है, मोर देन वन, एक से ज्यादा हो जाए। अब बताओ जब एक से ज्यादा हो जाएगा तो आप आर्टिकल ए लगाओगे, भाई प्रैक्टिकल सोचो, रट्टा रट्टा चीजों भूल जाओ भाई, रट्टा रट्टा चीजें मैं ना लाता हूँ ना ही सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट रहेगा। आज मेरे पास पढ़ रहे हो, कहीं सीनियर हो जाओगे, कहीं और जाओगे तो कंसेप्ट रहेगा, तो कहीं भी गर्दा हिला के आओगे नहीं रहेगा, रट्टा रट्टा चीजें रहेंगे, फिर जो वहाँ के स्टूडेंट हैं उनसे दब दबा के रहना पड़ेगा, ये चीजें समझना। बताओ यहाँ पे आर्टिकल ए या एन आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं,
तो यहाँ पे क्या होगा, नो यूज ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लगा दोगे, क्रॉस का चिन्ह लगा। समझ रहे हो ना बच्चे सब, मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ पा रहे हो ना मैं क्या बतलाना चाह रहा हूँ, बताओ। दो क्वेश्चन में बहुत सारा चीज है। आ जाओ वीडियो, देखा हुआ वीडियो, समझना इसको बहुत प्यार से, तो प्रोनंसिएशन करोगे डी डी ओ पी, यानी कि बी, यानी कि लिप्स की जरूरत पड़ रहा है, यानी कि देखो दो तरीके हमने बताया, एक तो बवल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड समझ, अगर वोकल कॉर्ड से समझो, यहाँ से ब्रेक की आवाज़ निकले किसी और पार्ट्स की जोड़ना पड़े बॉडी में से, लेकिन जैसे किसी वर्ड को बोलने में उठ दांत ये सारी चीज़ें की जोड़ पड़े, उसके साथ कॉन्सोनेंट आर्टिकल ए लगाओगे, उसके साथ आर्टिकल एन लगाओगे। पी डी ओ पी, पी डी ओ पी पी, यानी कि लिप्स की जोड़ पड़े, यानी कि इसके साथ आर्टिकल आप ए लगाओगे। तरीका है यहाँ पर क्या करोगे साथियों, आर्टिकल ए लग जाए। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके मुझे बताओ साथियों, समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा तो और अच्छी बात है कि आप सीख, नहीं आता हो तो आप सीख जाओगे, ये गारंटी है। बट शुरू से अंत तक वीडियो को प्यार से देखना, सब जितने भी आपके हैं ना, सब में कुछ ना कुछ रूल छिपे हुए हैं, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं जो बुकों में नहीं लिखे होते हैं। तो भाई बुकों में ऐसे थोड़ी ना होता है कि बताता है ऐसे ऐसे। अब आ जाओ 1 रुपी नोट, अब इसका मुझे बना के दिखा दो जल्दी से फटाफट साथियों, बता दो 1 रुपी नोट लिखा हुआ है, इसके साथ आर्टिकल ए आएगा या एन आएगा, प्यार से सभी को जल्दी से इसका कमेंट करके मुझे बहुत प्यार भरा कमेंट कर दो। बताओ इसमें भी कंसेप्ट है, मैंने एक एक जो है ना, देखो बुकों में कंसेप्ट नहीं, सिर्फ आंसर मिल जाएंगे, कोचिंग में जाओगे बाबू इसके साथ आर्टिकल ए एन लगता है, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ आपको कंसेप्ट भी बता दो इसके साथ क्या लगेगा। देखो बच्चे कमेंट करें कि सर एन लगेगा, एन लगेगा सर जी, एन लगेगा, मुझे बताओ जैसे बोलो इसका प्रोनाउंसिएशन करो, 1 4 1 4 4, अरे ड्रेक वोकल कॉर्ड से आ रहा है साथियों, 4 1 1 4 4 4, यानी कि सट रहा है यहाँ पे 4 4, लेकिन बाय द वे ये बाय द वे पता है ये जो वर्ड है तो वर्ड क्या है, ये बॉवेल लेट है, इंग्लिश में बॉवेल साउंड भी है लेकिन हिंदी में का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, जो व का साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए आर्टिकल आपका एन नहीं आएगा बाबू, आर्टिकल आपका क्या आएगा, ए आएगा। देखो तो आप बुकों में लट के क्या बैठ जाते हो कि बॉवेल लेटर के पहले आर्टिकल एन के यूज करते हैं, बताओ यहाँ पे बॉवेल लेटर था ना फिर भी लगा कि नहीं। देखो अपने आप को अपडेट करो, वो बचपन की बातें थी, बचपन में वैसे पढ़ाया जाता है ठीक है, क्योंकि आपके माइंड को जो स्टोरेज पावर थी, जो आपकी थिंकिंग पावर थी छोटी थी, अब आप सियाने हो गए हो, आप अब बहुत सियाने हो गए, समझदार हो गए, तो अब आप थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करो, ठीक तो ना। मोबाइल के एप्लीकेशन में क्या होता है, शुरुआत में बग होते हैं तो फिर अपडेट आता है, उनमें फिर अपडेट अपडेट, तो अपने आप को अपडेट करो अकॉर्डिंग टू न्यू ईयर, ठीक, कुछ ज़्यादा नहीं रहता, अपडेट करो बस। देखो यहाँ पे चाइल्ड वर्ड है, चाइल्ड जैसे करूँगा छ चाइल्ड, यानी कि प्रोनाउंसिएशन करने में हमारा किसी ना किसी बड़े का जोत पड़ रहा है, आर्टिकल यहाँ पे ए लगा दें, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल है। इसके बाद देखो एप्पल्स, बताऊंगे साथ ही उसके साथ क्या लगेगा, बहुत खूब ए लगेगा, एन भी लगेगा, वाओ बच्चे ने कमेंट किया बहुत सारे एन लग जाएंगे ठीक है, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर आर्टिकल ए भी लगेगा, ठीक जी ए वाला मुझे बताना ए कैसे लगेगा, थोड़ा जरा एन वाला ही बताना जरा एन कैसे लगा रहे हो आप लोग साथियों, ना ए आएगा ना एन आएगा ठीक है, यहाँ पर ना ए आएगा ना एन आएगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्यों पूछो ना, क्यों क्यों नहीं करेंगे गुरु सर जी बताओ मुझे। देखो बच्चा यहाँ पे क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ये देखो ये आपका प्लूरल फॉर्म में है ठीक है, एप्पल्स को गिन सकते हो बट ये प्लूरल फॉर्म में है, इसके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं करें, बताओ समझ में आ गया ना, इसके साथ कोई आर्टिकल का यूज ही नहीं करें, समझ रहे हो ना। अच्छा अब इसके बाद ये अम्ब्रेला, अब देखो बच्चे बहुत सारा दिमाग लगाएंगे अम्ब्रेला,
यू मतलब तो आप कहाँ का अ से अह तक पढ़े हो ना, यू मतलब तो यू मतलब ऊ होता है, जबकि यहाँ पे अ आ रहा है, यू का मतलब अ आ रहा है, तो इसलिए कहते हैं ना बाबू हिंदी से इंग्लिश जो ट्रांसलेशन करते हैं बहुत जल्दी फंस जाते हैं। यू मतलब देखो यू ओ औ होता है ना, औ इस तरह से होता है ना, हम लोग यू लगाते हैं हम लोग इसके लिए, लेकिन यहाँ पे अ आ रहा है। देखो इसका यू का मतलब क्या है, अम्ब्रेला, देखो अम्ब्रेला ठीक है, इसका मतलब ये ना अम्ब्रेला, यहाँ पे अ आ रहा है ना, इसका मतलब यू का मतलब तो अ आ रहा है। तो बच्चे हिंदी से इंग्लिश करते हुए ना वो फंस जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रहे बाबू ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएंगे बहुत सारे कुछ ठीक है। तो बताओ यहाँ पे आर्टिकल का क्या यूज करोगे, कौन सा आर्टिकल यूज करोगे, ये यूज करोगे एन, तो यहाँ पे हम लोग का आ रहा था हिंदी में, हाँ हिंदी में आ रहा था ना, बताओ यहाँ पे क्या लगा दोगे, एन लगाओगे ना, मुझे बताओ एन लग जाएंगे ना ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट है आर्टिस्ट, बगल कोड से क्या हो जाएगा, यहाँ भी आर्टिकल एन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ देखो बहुत सारे बच्चे शुरुआत में अब दिक्कत हो जाएंगे, अब बताओ यहाँ पे आर्टिकल क्या लगाएंगे, यहाँ पे वर्ड दिया था आपका गुड आर्ट, अब बता दो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, आई थिंक 95% बच्चे कमेंट कर रहे सर एन आ जाएगा, आपके कमेंट देख पा रहे, बताओ गुड आर्टिस्ट जो है वो उसमें क्या लगेंगे, हाँ बताओ बताओ। देखो बहुत बच्चे कह रहे सर एन लगेंगे ठीक है, सबने अधिकांशतः एन ही यूज किया है, और मेरी बात मानो यहाँ पे एन बिल्कुल भी नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ ए आएगा, कैसे आएगा, मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको समझो कैसे ए आएगा, इसलिए तो कह रहा हूँ साथियों एकदम शुरू से देखो वो चीज़ें सीखोगे जो अभी तक आपको लाइफ में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं वो आपको सीखने से मजबूर करता था, वो सारे चीज़ें मैं बता दूँगी, समस्या और टेंशन बारीकी से भी रोक। देखो हमने बताया था उन समझाया था यहाँ पर जगह है ना, देखो मैंने ये समझाया था कि अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो हम आर्टिकल नाउन के लिए यूज करते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन किसका करते हैं एडजेक्टिव का, यहाँ पे गुड के आपका एडजेक्टिव है, तो हम जो आर्टिकल यूज करेंगे यहाँ पर आर्टिकल वो हम इस नाउन के लिए यूज करेंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका यूज करेंगे, प्रोनाउंसिएशन किसका लेंगे इस, बताओ गुड गुड गुड, यहाँ पर टंग सट रहा होगा बोल के देखना गुड गुड गुड, यहाँ हल्का से ऊपर जिब सटता है ऊपर ठीक है, तो आर्टिकल क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। अब आ जाओ आर्टिस्ट आर्टिस्ट आर्टिस्ट, अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा, जल्दी से बता दो मेरे साथियों जल्दी से बता दो, यहाँ पे आर्टिकल हम क्या लेंगे, ए लेंगे या एन ले लेंगे, जल्दी बता दो मेरे प्यारे दोस्त, आर्टिकल ए लोगे या एन लोगे, सभी को दिवाली मना रहे हो ना बड़े तरीके से, धूमधड़ा का तरीके से दिवाली मना लियो, अब तो छठ भी आने, छठ भी हम लोग आ जाएंगे। देखो आर्टिस्ट बताओ ये जो आर्टिस्ट होंगे इनके साथ क्या लगेंगे, एन लगेंगे, एन लगेंगे बिल्कुल, हाँ नाम किसी को नहीं लूंगा पहली बातें हैं। देखो भाई यहाँ पे एन नहीं लगेगा ना ए लगेगा, देखो बच्चे नहीं यहाँ से कंफ्यूज होकर कह रहे ए लगेगा, ये वाला जो मैं पार्ट ए लगाया हूँ ना यहाँ पे ए, इससे कंफ्यूज होकर यहाँ पे ए लगेगा, ये थोड़ा सा अक्कल लगा लिया तो नहीं लगेंगे ए, क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि देखो प्यार से समझो ये जो आर्टिस्ट ये प्लूरल फॉर्म में है, मैंने बताया था अभी बताया जब भी हम लोग आर्टिकल यूज करते हैं साथी वो तो ये एसटीएल होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, बताओ यहाँ पे सिंगुलर है नहीं है, नाउन है गिन सकते हैं लेकिन प्लूरल काउंटेबल है, बताओ इसके साथ क्या लगा दोगे, इसके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं करो, बताओ सीख गए ना 10 क्वेश्चन में बहुत सारे कुछ सीख आ जाओ 11वें नंबर क्वेश्चन, ये जो है आपका प्योर कॉन्सोनेंट है 100% कॉन्सोनेंट लेटर है, बट जब प्रोनाउंसिएशन करोगे आर होता है, आर आर जब प्रोनाउंसिएशन करोगे तो आर होता है, जबकि इसका मतलब क्या होगा आर है, पहला लेटर वार यानी कि बवेल है, अब बताओ इसके साथ ये लगाओगे कि एन लगाओगे, एन लगाओगे, क्यों बता दिया क्योंकि आपको दिक्कत होंगे इससे पहले ही बता दिया, आ जाओ
अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी ब्यूटीफुल, तो इसके साथ ए आएगा या एन आ जाएगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एक आपके आर्टिकल का 50% कंसेप्ट क्लियर कर देगा। वेरी ब्यूटीफुल, बताओ इसके साथ क्या लगा दोगे तुम, जल्दी हो बता दो। बता दो बताओ इसके साथ क्या लगाओगे, वेरी ब्यूटीफुल के साथ? बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं सर जी आर्टिकल ये लगेगा। अरे मेरे भाई, हमने पढ़ाया था शुरू में, देखो जो आर्टिकल होता है वो नाउन के लिए आता है। मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पे आपको नाउन कहाँ दिखाई दे रहा है मुझे बता दो भाई। वेरी आपका एडवर्ब है, ठीक है, वेरी आपका एडवर्ब है, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर नाउन है ही नहीं, ये तो नाउन है ही नहीं। बताओ यहाँ पर कोई नाउन तो है ही नहीं, बताओ यहाँ पे ए आएगा, आर्टिकल ए आ सकता है, क्योंकि हमने बताया था आपको जो आर्टिकल होता है वो नाउन के लिए आता है। जब नाउन ही नहीं रहेगा, जब बताओ जब जब आप भोज भंडारा कर जाते हो, वहाँ पर व्यक्ति ही नहीं आएगा कोई खाने के लिए, तो खिलाओगे किसको भाई? जमीन को थोड़ी खिलाओगे भाई, पत्तल को थोड़ी ना, पत्तल में पड़ोसे पत्तल को खिलाओगे जब खाने वाला ही व्यक्ति ना हो। यहाँ पर जब नाउन है ही नहीं, फिर भाई किसके लिए लगाओगे आर्टिकल बताओ भाई? साथ ही यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेंगे। इसी तरह आपको क्या करते हैं एग्जामिनर जो होता है, देखो ये क्वेश्चन पता है एग्जाम बोर्ड जब टेंथ का एग्जाम होता है ना, टेंथ का बिहार बोर्ड का होगा, यूपीएससी होगा, वो सब में क्वेश्चन आते हैं भाई। यहाँ पे सिर्फ नाउन नहीं देंगे, सेंटेंस फॉर्म में होता है। मैं एक छोटा छोटा वर्ड लिया हूँ ताकि शुरुआत किया हूँ ना, शुरुआत में वर्ड से समझो, भाई देखिए सेंटेंस फॉर्म में रहता, सेंटेंस वाला भी करा दूंगा। जितने भी करा रहा हूँ ना साथियों, याद रखना आपके हमेशा जीवन में ये सारी चीज़ें काम, याद रखना, कभी ना कभी याद करोगे कहाँ शशि पटेल सर सही बताए थे, ये सब हमारे लिए यूजफुल है। एक भी ऐसा चीज़ नहीं होगा ना जो मैं आपके यूज की चीज़ें नहीं बताती, वो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें ही बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड है एम ए, प्योर वर्ड एम है, एम जो है ना प्योर कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कर आ जाएगा एम ए, यही तो आ रहा है ना एम ए, ठीक है, यही तो आ रहा है ना, बताओ मुझे यही आ रहा है ना, बताओ प्रोनाउंसिएशन करो तो यही तो आएगा। अब बताओ एम आ गया, यानी कि ये जो वर्ड हो गया बबल हो गया, इसके साथ आर्टिकल ए आएगा या एन आएगा, मुझे बता दो प्यार से, जरा जल्दी से बता दो मुझे, हाँ क्या आएगा इसके साथ, ए आएगा या एन आएगा पहले बता दो। साथियों जब इसका वॉवेल आ गया तो यहाँ पे ये आने में कोई गुंजाइश ही नहीं है, और बच्चे आँख मुँह के क्या करते हैं, देखते हैं भाई कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट है, देखेंगे ना उखेंगे तो लगा देंगे भाई, पहले इसकी मतलब समझ लो। तो यही तो मैं आपको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं पढ़ाता हूँ आपको, क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ चाहता, तो देखो भाई बुक में हर चीज़ भरे पड़े, लेकिन क्वेश्चन करोगे ना जो माइंड है ना, माइंड खुलता है। तुम मैथ पढ़ते हो तो तुम्हें पता होगा, मैथ में अगर क्वेश्चन नहीं बनाओगे, जब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन नहीं करोगे, पीपीपी नहीं करोगे, प्रॉब्लम पीएसएस, तो जब तक पीसी पीएसक्यू होता, सॉरी पीएसक्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन जब नहीं करोगे, बताओ कैसे आप सीख पाओगे। जैसे इंग्लिश में पीक्यूआरएस होता है, जंपलिंग होता है, यानी कि आपके माइंड पर स्ट्रेस आने चाहिए, कुछ सीखना तो स्ट्रेस डालो। अब स्ट्रेस मतलब जिंदगी वाला स्ट्रेस नहीं डाल लेना, यानी कि क्वेश्चन को समझने के प्रयास करना। अब बहुत सारे बच्चे आएंगे यहाँ पर आर्टिकल ए लगा देंगे, क्योंकि कंसोनेंट है एम, तो आपको सोचना है, समझना, उसको परखना, एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं, समझ रहे हो ना? बताएं आप आर्टिकल क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। देखो साथियों सबके कमेंट देखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएंगे, आपको पता है बढ़िया तरीके से, तो मैं टाइमिंग आपको नहीं लेना चाहता हूँ, कम समय में ज़्यादा सिखाने, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो प्योर आपका ये वॉवेल लेटर, प्योर 100% वॉवेल लेटर, बट अब मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन करो, यू यू बोला हो रहा है ना, कट रहा है ना, यूरोपियन। अब यू क्या होता है, यरलला में कॉन्सोनेंट होता है कि नहीं हिंदी में, यरलला यरलला हुआ तरफ समझ अच्छा प्रज्ञा जो होता है, ये सब कॉन्सोनेंट होता है ना, तो बताओ जब कॉन्सोनेंट है के साथ आर्टिकल ए लगाओगे एन लगाओगे, आर्टिकल ए लगाओगे ना। लेकिन जब आपको ये पता ही नहीं होता कि हिंदी के हम प्रोनाउंसिएशन में साथ लगाते हैं, तो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करते तो यूरोपियन ही आता, यू लिखते, देखो यूरोपियन इंग्लिश में लिखोगे तो यू आर ऐसे नहीं पढ़ोगे, यू यू ऐसे ही ना पढ़ोगे, तभी तो भवेल लेटर ही हुआ ना। लेकिन एक्चुअल में आपको मैं वो चीज़ सिखाना चाहता हूँ, देखो ये कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है, तरीका होता है समझने का, ठीक है, कहीं फंसो नहीं,
यूरोपियन सब क्या लगाओगे, आर्टिकल ए लगा दोगे ना। अब देखो आपको नहीं पता होता तो आर्टिकल एन लगा देते ना, ये देख करके यही चीजें पकड़ना। अब आ जाओ आर्स, आर्स मतलब घंटा। अब इसके बता दो क्या लगेगा। देखो बहुत प्यारा चीज समझा रहा हूँ, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, तो समझना और इसको कॉपी में नोट डाउन कर एक एक चीजों को। पता आर्स, आर्स मतलब घंटा। अब इसके साथ क्या लगेगा, देखो ये है प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म के साथ आर्टिकल का यूज। कौन सा आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो इनडेफिनिट वाला आर्टिकल का यूज हम नहीं करते। इसके साथ आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होगा, लेकिन आर्टिकल द का यूज होता, आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं किसी के भी साथ, बट आर्टिकल ए एन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ए एन का मतलब ही होता है एक, यानी कि गिनती में एक। अब तो समझ गए ना। वाटर, वाटर मतलब होता है पानी। अब बताओ मुझे साथ इसके साथ क्या लगाओगे, इसके साथ भी आर्टिकल लगता है। कौन सा आर्टिकल है, सम, नन, ये भी आता है आर्टिकल में, एनी, ये भी आर्टिकल ही है, लेकिन वो नहीं पढ़ना हमें, ठीक है, सब पढ़ना है बट आपके लेवल के नहीं। सुनिए यहाँ पे देखिए वाटर, तो इसके साथ क्या लगाओगे, आता है आपको वाटर क्या, तो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल यानी कि गिन नहीं सकते हम लोग, तो जब प्लूरल फॉर्म वाला के साथ आर्टिकल आर्टिकल एन का यूज नहीं कर रहे, तो अनकाउंटेबल वाला सब तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये इसके साथ तो बिल्कुल हिरगिस भी नहीं लगाएंगे, समझ रहे हो ना। अब आ जाओ देखो बुक, यूजफुल, यूजफुल बुक। अब बताओ इसके साथ क्या लगाओगे, आर्टिकल ए या एन, जल्दी बता दो मुझे प्यारे साथियों। तो आर्टिकल ए आ जाए, समझना बहुत प्यार से, बहुत आसान है, ध्यान देना। अब आ जाओ यंग मैन, ये जो आपका वाई है सेमी वोवेल, ठीक है, वाई जो होता है आपका सेमी वोवेल होता है। अब बताओ यंग सेमी वोवेल है भाई, करना चाहिए था ना इसके साथ, हाँ, लेकिन इसका प्रोनाउंसेशन कहते हैं यंग, यंग, यंग सट रहा है, इसके साथ आर्टिकल क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इंजीनियर, वर्ड है इंजीनियर, इन 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 देख आ रहा है, आप तो इसको करोगे, अरे देखो ना इंजीनियर ऐसे ही लिखते ना, इंजी ऐसे ही लिखते ना, ई आता है ये वाला ई, हाँ बताओ इसके साथ क्या लगाओगे, आर्टिकल एन लगाओगे ना। चलो आप देखो इंजीनियर्स ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, आर्टिकल नहीं लगाओ, ठीक है, प्यार से देखना। अब आ जाओ इंडियन, इंडियन मतलब होता है भारतीय, इंडियन मतलब साथी होता है भारतीय, मतलब इंडियन के साथ क्या लगाओगे, इंडियन के साथ आर्टिकल साथी हो एन क्या आएगा, एन आएगा, क्या लगाओगे, आर्टिकल एन का यूज करो। अब है इंडिया, और मैंने बताया था आपको एक चीज कि 99% केस में, यानी 95% देखो, चलो 95% केस में प्रोपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज कदापि, यानी कि मतलब हिरगिस नहीं करते, समझ ना, देहात की भाषा में बोले तो हिरगिस यूज नहीं करते, यानी कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज 95% केस में नहीं होता। बताओ इंडिया के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे क्या, करेंगे क्या, इंडिया के आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन होते इसके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता। अब मैं जल्दी बताते चलूँगा, आप लोग जल्दी जल्दी करते। उसके बाद है उर्दू, उर्दू आपको क्या है, किसी भाषा का नाम है, जैसे आपका भाषा हो जाता है हिंदी, इंग्लिश, ग्रीक, फ्रेंच, हाँ संस्कृत भी थी हमारी, और क्या भोजपुरी होगी, कोई की तमिल होगी, कोई की कन्नड़ होगी, कोई की गुजराती है, ये सारे लैंग्वेज भाषा के नाम है, ठीक है। बताओ भाषा के नाम अबस्ट्रेक नाउन में आते हैं, और अबस्ट्रेक नाउन को हम लोग अनकाउंटेबल में रखते हैं, अवस्ट्रीय नाउन यानी कि विशेषता बतनाने वाला जो होता टच नहीं कर सकता, बट यही अवस्ट्रीय नाउन कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है, वो भी बताऊंगा, बट समझ रहे हो ना। ये जब ये हमारा काम कैसे करे, एज एडजेक्टिव की तरह काम, दिस इज उर्दू, हाँ दिस इज उर्दू है, भाषा का नाम है, तो ये जो हो जाएगा आपके साथ, इसके साथ आर्टिकल का यूज बिल्कुल नहीं करो। अब देखो इसीलिए मैं एक और वर्ड लिखा, उर्दू पोएट, समझ रहे हो ना, यहाँ पे लिखा उर्दू पोएट, जब उर्दू पोएट है तो उर्दू
पोएट, यानी कि पोएट यानी कि नाउन, यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर नाउन नहीं था इसलिए आर्टिकल का यूज नहीं किए। वो बात है समझ ना, पत्र वाले बात है जो बताया था कंसेप्ट। यहाँ पर जब पोएट है तब पोएट जब नाउन है यहाँ पर आर्टिकल यूज करेंगे एन का, ठीक है। अब उर्दू पर प्रोनाउंसिएशन किसका लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग नाउन आर्टिकल एन की यूज करते उसके पास वाला वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो पास वाला वर्ड कौन सा, ये दूसरा तरीका समझ। तो उर्दू कैसे लिखोगे, उर्दू ऐसे लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे ना। अब बता ऊ आ रहा है, ऊ आ रहा है तो यानी कि वोवेल आ रहा है, वोवेल सेंस में आ रहा है ना, बता यहाँ पे क्या लगा दूंगा, एन लगाओगे ना, आर्टिकल एन का यूज होगा ना मेरे प्यारे साथियों, बता दो एन का यूज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा उसके बाद ये अनेस्ट, अनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, अनेस्ट आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्या है साथियों, एडजेक्टिव, हाँ अनेस्ट आपका एडजेक्टिव है। अब बताओ अनेस्ट एडजेक्टिव है, जब अनेस्ट एडजेक्टिव है तो यहाँ कोई इसके बाद नाउन है ही नहीं, जब नाउन नहीं रहेगा तो हम आर्टिकल किसके लिए यूज करेंगे भाई, हाँ बताओ, जब दुल्हा रहेगा ही नहीं तो कन्या कहाँ पर जाएगी, वही बात है। तो यहाँ पर आर्टिकल नाउन है ही नहीं तो आर्टिकल कहाँ लगाओ, कहीं नहीं लगा पाओगे, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और यही क्वेश्चन आते हैं हमेशा, ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं हमेशा आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपर लेवल के एग्जाम नहीं सोचना, उनके भी क्वेश्चन कराऊंगा, बट ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा इसी सब क्वेश्चन आते हैं, आपके इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो कहीं ना कहीं इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं और कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ से समझ लो। उसके बाद यह ऑनेस्ट मैन, बताओ इसके साथ आर्टिकल का यूज करेंगे कि नहीं। और ये जो है ना, ये जो देखो एक दो तीन चार, ये तो और कंसेप्ट क्लियर होगा, मतलब ऑनेस्ट मैन क्या होगा जल्दी बता दो, कमेंट कर रहा बच्चा, एन होगा जी, एन हो जाएगा, ठीक है कर दिया, मेरी बात मानोगे तो यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं है। ये तो नाउन तो है बट ये नाउन कैसा है, मैन का प्लूरल फॉर्म में है, ये मैन का क्या है प्लूरल फॉर्म है, देखो ये मैन का क्या है प्लूरल फॉर्म में है। तो बताओ हमने यहाँ पे सीखा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हम साथ क्या करते हैं आर्टिकल का यूज करते, बताओ तो प्लूरल फॉर्म में है, आर्टिकल का यूज करोगे नहीं करोगे ना, तो यहाँ पे ना ए आएगा ना एन आएगा ना, आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं लेकिन ए एन का हम लोग यूज, इसलिए यहाँ पर जो हम लोग ए एन में से दोनों में से कोई नहीं है। अब अच्छा वेरी ऑनेस्ट मैन, अब बताओ यहाँ पर आर्टिकल कौन सा, बता दो यहाँ पर आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, जल्दी आ जाओ बता दो प्यारे साथियों, यहाँ पर आर्टिकल क्या यूज करोगे, यही चीज़ें तो है आपको कन्फ्यूज करता है, यही चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में कन्फ्यूज, देखो ऑनेस्ट 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 चार जगह ऑनेस्ट दे दिए, क्यों, क्योंकि साथियों रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बोर्ड एग्जाम में बता रहा हूँ, मेरे एग्जाम में खुद आया था, जब ट्वेल्थ एग्जाम दिया था तब आर्टिकल के भाई आया था, ये ऑनेस्ट वाला आया था, ठीक है, ऑनेस्ट बहुत कन्फ्यूज करता है, बताओ इसमें क्या आएगा, देखो यहाँ पे नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, ठीक है नाउन भी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब देखो समझने का प्रयास करना, ये जो ऑनेस्ट है और ये वेरी है, तो मैंने क्या बताया कि जहाँ पे हम लोग आर्टिकल के यूज करने करने वाले होते हैं उसी से ठीक जस्ट बाद वाला वर्ड का हम लोग क्या करते हैं प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जस्ट ठीक बाद, समझ गए ना, तो जस्ट ठीक बाद वाला के सब सब क्या करते हैं हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन करके हम लगाते हैं। बताओ अब यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन किसका लेंगे कि किसका लेंगे, प्यार से बताना मुझे, प्रोनाउंसिएशन किसका लगाओगे कि इसका करोगे, बहुत सारे बच्चे ए वाला देख करके एन लगा दिए, नहीं एन नहीं आएगा, ए आएगा, क्यों आएगा ये, क्योंकि ये जो वेरी वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन लेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि क्या बताया आपको, तो इसको जो आर्टिकल यूज करते हो उसके पास वाला वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लेते हो, लेकिन ये जो आर्टिकल ए लगाए हो किसके लिए लगाए हो, ये जो आर्टिकल ए आया है तो मैन के लिए आया है, ना कि वेरी के लिए ना कि ऑनेस्ट के लिए, ये बातें आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ये जो ए आया है ना ये मैन के लिए आया है, ना कि वेरी ना ऑनेस्ट के लिए, ठीक है आ जाओ। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनेस्ट मैन, अब ये वाला बताओ तो फिर इसकी भी कहानी बताता हूँ, बता दो ऑनेस्ट मैन के साथ क्या लगेगा, जल्दी बताओ, बहुत बच्चे सही से जवाब दे रहे थे और बहुत बड़ी उपलब्धि आप सभी की, ठीक है चलो ऑनेस्ट मैन के साथ क्या लगा दो, देखो यहाँ पर बहुत अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन दे रहे हो, एन ऑनेस्ट मैन बहुत अच्छा,
यहाँ पे एन होगा, एन ऑन स्टूडेंट, क्यों यहाँ पे इसके ठीक बाद जहाँ पे लगाने वाले हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है साथियों, एडजेक्टिव है, ठीक है आपका साथियों, एडजेक्टिव है हाँ। और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे हम लोग, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ऑनेस्ट। और ये क्या आपका नाउन है, इसके हम लोग जब भी लगाते हैं उसके ठीक बाद यहाँ पे लगाने में ठीक बाद उसे क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। बताओ यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ओ, एक वोकल कॉर्ड से तो एन लग जाए, बुक नॉर्मल सेंटेंस है, आर्टिकल ए कर देंगे, यहाँ बुक गुड, गुड एक आपका एडजेक्टिव है, गुड आपका एक एडजेक्टिव है। और पता है आपको एडजेक्टिव के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते जब तक नाउन ना, बताओ यहाँ पे कोई नाउन है, यही है तो आर्टिकल का यूज यही करोगे। देखो लास्ट में गुड है, एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, वाई क्या आपका नाउन है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या प्रोनाउंसिएशन करके, यानी गुड इसका क्या हो जाएगा आर्टिकल, ए लगा करके हम इसको बना देंगे। तो आप बताओ क्या क्या सीखे यहाँ से, अपने ए एन के यूज सीखे, कहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी थोड़ा बहुत जान के, मैंने पढ़ाया नहीं अभी ओमिशन ऑफ आर्टिकल, लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल क्या होता है, मैंने पढ़ाया, बताओ ईमानदारी से बताना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल नहीं पढ़ाया, कहाँ का आर्टिकल का यूज नहीं करना, लेकिन आप फिर भी आप बना पाओगे, क्यों, क्योंकि आपको मैं हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट सिखाता हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन मिलवाता नहीं हूँ, मैं चाहता तो मैं साथ इसको आता ऐसे ही कहता, देखो बाबू ऑरेंज में एन लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं मैं चाहता हूँ कि मुझे पता है कि बच्चे का प्रॉब्लम कहाँ आता है, स्टूडेंट कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि मैंने वो चीज़ें फेस किया, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे पे बिलीव किए हो, तो मैं आपके साथ कुछ ऐसा करूँ कि जो आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट करें, मैं नहीं चाहता, मैं जितनी जाता हूँ जानता हूँ उससे सोचता हूँ और कुछ एफर्ट लगा कर आपको ज़्यादा कुछ बताऊँ। तो ये थी हमारी आर्टिकल की पार्ट वन सीरीज, जिसमें हमने आपको सोल्यूशन करवाए थे, कुछ क्वेश्चन करवाए और प्रैक्टिस करवाया कि आपकी जो आर्टिकल का रूल पढ़े वो रिवीजन हो जाए, समझ रहे, ए एन का जो रूल पढ़े थे उसको रिवीजन हो जाए। तो इस वीडियो का क्या करना साथियों पता ही ना, शेयर करना आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और सभी को लाइक करना, और देखो एक काम करना आपको टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन करना, टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना PVR, देखो समझ लो, दो मिनट और दे दो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, सर्च क्या करना PVR स्टडी, ये सर्च करना जा करके टेलीग्राम, ठीक है, प्यार से जाकर सर्च करना और जा करके टेलीग्राम ज्वाइन, पहली बात, ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ऐसा अपडेट मिलते रहेंगे कुछ क्लासेस के, ठीक है। दूसरी बात कि चैनल पे न्यू होना, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि हम ये आपको लगता होगा ना बहुत आसान है, जब हम लोग पोजिशन पर आओगे पता चलेगा ये सब कैसे होते हैं, इसके पीछे कितनी रातें कितनी मेहनत लगती है, समझ रहे हो ना, रात रात बच जाते हैं, एक दो बज जाते हैं साथ ही, सब कंटेंट समझने में तो इतने आसान नहीं लग रहे होंगे भाई, इतने बताने के लिए सारे रूल ना, हम कहीं बुक खोले थे आपके सामने, हम रहते हैं ना, हम लोग सर भी आते होंगे मैथ्स आते तो कहीं नहीं जाते होंगे, तो इसके पीछे मेहनत लगता है साथ ही, एफर्ट लगता है, आप मुझे बताना, जरा प्यार से सोचना, गौर से सोचना, दो मिनट मुझे दो, मैं कुछ बातें कहना चाहूँ, मैं कुछ बातें करना चाहूँ, ठीक है, फिर उसके बाद आप सब चले चलेंगे। अगर आपके पिताजी कहीं काम करते हैं, ईमानदारी से सोचना और गौर से बताना मुझे, प्यार से, आपके पिताजी काम करते हैं और पिताजी से आपके काम करवा करके मजदूरी नहीं दिया जाए, बताओ आपके पिताजी काम करेंगे नहीं करेंगे। उसी तरह अगर हम लोग जब कंटेंट बना रहे हैं साथियों, मजदूरी नहीं ले रहे आपसे, सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे, बताओ इसके लिए मैं कभी चार्जेस मांगा आपके लिए कि भाई मेरे आके पेड कोर्स में ज्वाइन कर, नहीं, हम लोग कभी नहीं कहते, सारी चीज़ हम लोग को जितना पॉसिबल हो सकता है, हम लोग को जितना सक्षम होते उतना फ्री में देने की कोशिश करते और कंटेंट बेस्ट क्वालिटी के देने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी जब हम लोग इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, रात को दो दो बजे तक जगते हैं और उसके बावजूद भी हमारे पास, समझ रहे हो ना, एक्टिव एक्टिव पीपल, यानी कि एक्टिव कहने का मतलब, देखो हम लोग का 3 लाख तो है लेकिन एक्टिव नहीं हो, भाई आपको एक्टिव यानी कि आप सक्रियता दिखाओ ताकि हमें लगे, फिर इसके ऊपर हम लोग और टीचर का लाए यहाँ पे, और भी टीचर को हम लोग बुलाए कि हाँ चलो मेरे बच्चे जो है पढ़ने की योग्य है, वो पढ़ना चाहते हैं एक्चुअल में, तो हम लोग कुछ और करना करने की कोशिश करेंगे आगे, और भी टीम को हम लोग लाएंगे, लेकिन जब आप ही जब मतलब एनर्जी एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, जब आपके अंदर एनर्जी नहीं जाएगा फिर कैसे कर सकते हैं हम लोग, बताओ, आप ही तो हमारा सब कुछ हो ना, आप क्या करो, दोस्तों को समझाओ कि साथ चलो यहाँ पे पढ़ो, नहीं जा रहे तो साथ में उसको बैठा लो, एक दो दिन समझेगा ना तो फिर उसे लगेगा, अगर पढ़ने वाला होगा आप वाकई में तो लगेगा कि हाँ मुझे इसकी नीड है, जरूर पढ़ेगा, लेकिन लिंक शेयर करने से कोई नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि अक्सर हम लोगों के ग्रुप में लिंक आते रहते, वो नहीं आएगा, आपको उनको जाकर मोटिवेट करना होगा,
बस इतनी तो काम तो कर ही सकते हो ना हमारे लिए आप, क्योंकि हम आपके लिए 2 बज रात तक जगते हैं, सर भी जगते हैं, हाँ बताइए, तो आपको भी इतना काम करना होगा, तो उन्हें मोटिवेट करना है। लिंक शेयर करने से तो आएंगे नहीं, बिल्कुल हम जानते हैं, और हम लोग ये प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं, क्योंकि वो सोचते यार ऐसे ही भेजते रहते नहीं आएंगे। उन्हें मोटिवेट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बताइए कि ऐसे क्लासेस चलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसे है, एप्लीकेशन पे भी डेमो वीडियो हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ बताइए। और बस ये बातें थी कि आप समझिए हमारी जो हम लोग कहना चाहते हैं एक्चुअल में क्या। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, थैंक यू।